जो सेवादार है वो दर्शन कर सके, जो सुबह 5 बजे से दर्शन आप जा सकते हो, सुबह पहले दर्शन 6 बजे दर्शन होंगे, फिर आपने 6 बजे दर्शन करके तैयारी रखना, नहा धोके सरयू नदी में गोता मार के और रामलला के दर्शन करके हो सभी। नमस्कार, आज वो अवसर आ गया है जिस अवसर का पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं को करोड़ों भारतीयों के इंतजार था, और आज भगवान श्री राम के मंदिर में उनके अचल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। यही वो अवसर है जिसको ध्यान में रखते हुए गुरु गोरखनाथ श्री राम जन्मभूमि भंडारा आयोजन समिति के प्रधान श्री राम जी सैनी उर्फ महेंद्र जी के दिमाग में एक विचार आया था, और वो विचार ऐसा साकार हुआ कि आज उस पावन अवसर पर अयोध्या में भंडारा आयोजित किया जा रहा है। भंडारे को चलते हुए 1 सप्ताह का समय हो गया है, तो इस अवसर पर हम प्रधान जी से बात करेंगे भी उन इतने बड़े आयोजन को लेकर के कैसे उनके मन में विचार आया था और वो विचार अब तक कैसे साकार हुआ। नमस्कार प्रधान जी। जय सियाराम। पहले तो आपसे ये चर्चा करेंगे कि आप ये जो आज इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा अवसर है, और आज से 2-2.5 महीने पहले आपके मन में ये विचार कैसे आया था? ये आज का बड़ा दिन महत्व दिन है, वो इसके रामलला की मूर्ति स्थापना के ऊपर ये लंगर सोचने की करी थी हमने, ये लंगर लग गया और इसके ऊपर रामलला के अंदर आज सब 22 तारीख को सभी शहरवासियों को ये इसकी लाख लाख बधाइयां देते हैं सबको जी, और सभी मिलजुल कर इसका आज का शाम रात को आनंद लूटे सभी मिलजुल के, और दिवाली की तरह उसको आज दिन है ये। प्रधान जी एक बात बताइए कि जब आपके मन में विचार आया था उसको साकार करने की दिशा में कैसे कदम बढ़ते चले गए जो आज हम अयोध्या में बैठे हैं? तो आज हम अयोध्या में बैठे हमारे शहरवासियों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, सभी ने मिलजुल के जितने हैं ना इसके अंदर सभी ने उत्ती डाली, और ये आज ये लंगर अयोध्या के अंदर सब में फर्स्ट नंबर पर ये लंगर चल रहा है, और जो इस लंगर में भोजन पानी कर रहा है वो रामलला जी को पूरा मस्ती में हो जाता है तो प्रसाद खाने के बाद, और इसको मैं जितने भी अयोध्या वासी हैं उनको भी जय श्री राम बोलता हूँ, और जितने हमारे हरियाणा के वासी हैं सबको जय सियाराम। थोड़ी सी उस यात्रा के बारे में बताइए, जब आप नवंबर में अयोध्या आए थे उस समय स्थिति क्या थी और किस तरह से ऐसा लग रहा था कि अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या चिंताएं थी, जब अनुमति मिल गई फिर कैसे तैयारी आगे बढ़ी? तो अनुमति तो हमने राम जी पे पूरा भरोसा था, तो राम जी ने हमने जिसके आगे भी चर्चा की उन्हें कल ही हमारे को यश कर दिया, और हम कैथल में जो भी हमारे को लंगर की जुड़ थी ना जिसके पास भी हम गए किसी ने हमारे को 1% भी नहीं गया ना, हाँ जो भी काम गए हमारे ऑटोमेटिक मानते गए, हम तो राम जी का नाम लेते गए और हमारे काम मानते गए। तो राम जी का नाम लेकर के आप घर से निकले थे, नवंबर में अयोध्या आए, फिर कैथिल गए, बीच में फिर एक बार आए, और उसके बाद तैयारियां अपने आप होती गई, और इसके अंदर तैयारियां होती गई, लोगों में बड़ा उत्सव था राम नाम के नाम पे, राम नाम लोगों के मन में बसा हुआ है, तन में बसा हुआ है, रोम रोम में राम है, ये इसी राम के लिए सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें सभी ने हिस्सा लिया जी। 1 सप्ताह से भंडारा अयोध्या में चल रहा है, तो अब तक कितने 1000 लोग यहाँ आ चुके, क्योंकि अभी तो भीड़ भी आना शुरू नहीं हुई, असली भीड़ 26 तारीख से बता रहे आएगी। अभी डेली हम लंगर जो चला रहे हैं 10-12 हज़ार आदमियों का डेली लंगर चल रहा है अभी भी। तो आप और यहाँ पर जो रस है बस स्टैंड के ऊपर जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, यहाँ कर जितने भी पुलिस महकमा है, सभी लोग इस लंगर को पूरी दूर दूर से लंगर खाने आते हैं, सारी अयोध्या के अंदर जिनकी ड्यूटियाँ लग रही है तो लंगर इधर ही खाने आते हैं। जिस तरह से कैथल में राम जी का नाम है बनाने में, और वो जो भंडारा में यहाँ जो उपकरण ये जो व्यंजन बनते हैं, तो यहाँ के लोगों को भी उसका टेस्ट पड़ गया है। हम तो जो तड़का लगाते हैं राम नाम का ही तड़का लगाते हैं, स्वाद और बेस्वाद तो उनको ही पता है, जो लोगों को मन में भा जाता है, जो भी लंगर बनाते हैं हम वही लोगों को मन में अच्छा लगता है, राम जी का नाम लेकर के तैयार कर देते हैं। हाँ बाकी उनके भरोसे। तो अब जो आज के बारे में बात करें, आज इतना बड़ा अवसर था अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में जो पूजा होनी थी हो गई, मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई वो चले गए, अब सबके लिए वो मंदिर खुल गया है, उसके बारे में बताइए कैसा फील करते हैं, कैसी अनुभूति होती है, क्या महसूस होता है?
ये सबके लिए, जितने भी अपने देशवासी हैं सबके लिए गौरव की बात है। ये मंदिर बनकर तैयार हो गया और इसके अंदर दर्शन करने के लिए हमने इतना संघर्ष किया है, वो आज हमारा पूर्ण हो गया। तो अब जो है हर आदमी यहाँ दर्शन कर सकता है, हर एक आदमी जो भी आए कहाँ से मर्जी आए यहाँ पर रामलला के दर्शन कर सकता है। तो अभी असली जो भंडारा शुरू होगा 26 जनवरी से शुरू होगा, भीड़ आएगी, हर राज्य से लोग आएंगे। हमें 26 तारीख को जो अभी से भीड़ उगड़ेगी ना, इसके बाद 22, 23, 24, 25 को जो जनता आएगी उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। चाहे जनता हमारे पास जितनी मर जाए, हम उनका भोजन पानी का इंतजाम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे को लोगों ने मन खोल के दान दिया हुआ है, हम मन खोल के लोगों को रोटी खुवाएंगे। एक बात बताइए, आज जो बड़ा अवसर था, एक दिवाली की तरह अवसर था, कैसे मनाया भंडारा सलवर? भंडारा जैसे ब्याह शादी के अंदर हम व्यंजन मनाते हैं, मालपूड़ा खीर मनाया, और आज मालपूड़ा खीर मनाया, फिर उसके बाद एक चावल मनाया, मीठा चावल जो हम जर्दा बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया चावल चल रहा है चाय के साथ। अब चाय शाम को चलाएंगे, जलेबी और साथ में दो सब्जियां चलेंगी और रोटी चलेगी, पूरी चलेगी। तो अब चूँकि अभी भंडारा अब दो जगह शुरू होगा, राम मंदिर के पास भी जगह आपने ली है, तो अब आने वाले टाइम के लिए कैथल के लोगों से, हरियाणा के लोगों से क्या अपील करेंगे और क्या आप कहना चाहेंगे? हरियाणा के लोगों से एक ही अपील है कि इस लंगर के अंदर थोड़ी थोड़ी ऊती डालते रहे और ये अग्नि की तरह लंगर चलता रहेगा। जैसे आमन के अंदर ऊती डालते हैं, इस लंगर के अंदर भी ऊती डालते रहे और ये लंगर चलता रहेगा जी। धन्यवाद प्रधान जी। तो आप देख सकते हैं भगवान श्री राम के आज को जो इतना बड़ा अवसर था, उस अवसर को यहाँ भंडारे में खीर और मालपूड़े बना करके मनाया गया, उत्साह मनाया गया। और आने वाले समय में कैथल का भंडारा दो जगह चलेगा। कैथल के लोग और हरियाणा के लोगों से प्रधान जी की अपील यही है, हमारी भी अपील है कि अपने अपने आहुति डालते रहें। आप कैथल में, उस कैथल के भंडारे में पहुँचे, यहाँ भी श्रद्धालुओं की सेवा इसी निमित्त की जा रही है और कैथल की जो समिति है तो लोगों के सहयोग से यहाँ पहुँची है ताकि इस बड़े अवसर पर सेवा की जा सके। तो यहाँ भंडारे में आपने प्रसाद ग्रहण किया, कैसे? बहुत सुंदर भंडारा चल रहा है, मैंने चाय यहाँ की पी, भोजन काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी संख्याओं में, यहाँ पे कोई गिनती नहीं है। और ऐसे राम भक्त देखिए, एक हरियाणा से लोग आ जा रहे हैं, 2 महीने या 3 महीने आप लोग की सेवा चलेगी ऐसा मैंने सुना है। तो सोच लीजिए कि राम के भक्त अपने सेतु के तौर पे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और भोजन प्रसाद, मतलब ये 24/7 ये भंडारा है, अभी तक बंद नहीं हुआ है। ऐसे भक्तों के लिए मैं जय श्री राम कहती हूँ, प्रभु इनको और शक्ति दे। यही सबसे बड़ा भंडारा है, ये पूरे भारत देश का बता रहे हैं सबसे बड़ा भंडारा है, भगवान करे ये देश विदेश का भी सबसे बड़ा भंडारा बने। बोलो जय श्री राम। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पे, इसमें 2,51,00,000 नाम लिखे हुए हैं प्रभु श्री राम जी के, और पानीपत से ये वडेरा फ्रूट वाले हैं, उनकी पत्नी ने ये लिखे हैं पिछले 3 सालों से भाई प्रभु श्री राम। उनका इतना मन में वो था कि जब ये मंदिर संपूर्ण होगा, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये जो किताबें मैंने लिखी हैं तो ये मैं वहाँ पे प्रभु श्री राम जी के चरणों में मैं इसको समर्पित करूँगी। तो उन्होंने हमें ये दिया है, तो 2 महीने बाद जब हमारा भंडारा ये संपूर्ण होगा तो उसके बाद ये जितनी भी उन्होंने ये प्रभु श्री राम नाम के नाम लिखा हुआ है उनके चरणों में हम समर्पित करेंगे।